ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ଅବସରରେ ଶନିବାର ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇସ୍ ଜିଲ୍ଲା ମେ ବାରଙ୍ଗିଲ ଜିଲ୍ଲା ମେ ବ୍ଲକ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସ୍ ପ୍ରକାର କି ସମସ୍ୟା ହମାରେ ସାମନେ ଆଇ ହୈ ତାକି ଉନ ସମସ୍ୟାଓଁ କା ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ହମ ନିରାକରଣ କର ସକେ। ବହୁତ ସମୟ ହୋ ଗୟା ଦେଶ କୋ ଆଜାଦ ହୁଏ 70 ବର୍ଷ ହୋ ଗଏ ହୈଁ ଆଜ କୋଇ ପୀଡ଼ା ବଚନୀ ନହିଁ ଚାହିଏ ଲେକିନ ଫିର ଭି ହମ ସବ ଜାନତେ ହୈଁ दुनिया भर की पीड़ाएं अभी लोगों के साथ हैं, दुनिया भर की तकलीफें लोगों के साथ हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और लोगों के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी आने वाले 3-4-5 सालों के अंदर अंदर और विशेषकर इस वर्ष के अंत तक, अगले वर्ष यानी 2019 के एंड तक हम चाहते हैं कि उड़ीसा के जन जन के अंदर हर घर केरोसिन फ्री हो जाए, जॉबलेस फ्री हो जाए, होमलेस फ्री हो जाए, मकान सबको मिले, शिक्षा का सबको साधन मिले, दवाई का सबको साधन मिले, छोटा घर हो बेशक लेकिन उसमें शौचालय है। ସୂଚନା ମତେ ରାଜ୍ୟପାଳ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସି ସଇଁତଳା ଅଧୀନ ବଡ଼ମାଳ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ସକାଳ 9:45ରେ ସେଠାରୁ ବାହାରି 10:45ରେ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। प्रथम सेवक के नाते उपस्थित है, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री नवीन जी पटनायक, चाहे राजभवन में इतने बड़े राज्यपाल, और हमारा धर्म और कर्तव्य होता है कि हम एक ही ग्राम में सेवक सुदूर कोने में जाकर उनकी पीड़ाओं का अनुभव कर सकें। और माननीय कलेक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, देश की सरकार के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। जैसे अभी विद्यालय की समस्या, व्यक्तिगत टॉयलेट्स की समस्या, किसान को पूरा पैसा नहीं मिला उसकी समस्या, वो समस्याएं कलेक्टर साहब ने भी नोट की है, हमने भी नोट की है। हमने कहा है कि एक कॉपी हमारे पास ही भेजिए, हम उस काम को तुरंत करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम स्कूलों में जा रहे हैं, हमारी इच्छा ये है, एक तो बच्चों की एजुकेशन सही होना चाहिए, भारत का बचपन बचना चाहिए, उड़ीसा का बचपन खुशहाल होना चाहिए, उड़ीसा का बचपन बहुत मतलब सहज और सरल होना चाहिए। उसको शिक्षा है, उसको दवाई है, उसको मकान है, उसको बाइक है, उसको सब प्रकार की सुविधाएँ मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास है और हम केंद्र के माध्यम से, देश की सरकार के माध्यम से, प्रधानमंत्री योजनाएं देंगे उनके माध्यम से इनको दूर करने का प्रयास करने का ये हमारा संकल्प है और इसी नाते हम घूम रहे हैं। सर, पिछले 3 दिनों से आप केवीके एरिया के बलांगीर कलांडी नुआपड़ा एरिया घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि तो क्या मिला है जिसका जो आप घूम रहे हैं? 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है टोटल हिंदुस्तान के, 115 जिला एस्पिरेशनल। हम माननीय कलेक्टर साहब से सबसे ये कह रहे हैं कि एस्पिरेशनल को इंस्पिरेशनल बनाने के लिए जो पैरामीटर्स होने चाहिए उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, और हमारी ये कोशिश है कि हम सब ऑफिसर जितने भी हैं, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इनको बता रहे हैं, ऐसे सभी अधिकारी मिलकर लोगों को साथ लेकर हम कोशिश करें कि हमारा जिला सबसे नंबर एक पर दूसरा नंबर, तो हमारा पीछे की तरफ। आज हम सैंतला ब्लॉक बुढ़ावा जी के आदर्श पंचायत के हमारे मान्यवर ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଆଜି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜି ଆମର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର କିଛି ଯେନ୍ କାମଟା କି ରହିଯାଇଛେ ସେଟା କି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର୍ ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମର ବୁଢ଼ାବାଲ ଜିପିକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇକରି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ବାର୍ତ୍ତା
नहीं करी जाइछ अजे जते जे अभिजो करथले सब दाबी पूर्ण होय आपन आशा करछ कि हां जेतु हमर माननीय राज्यपाल आइस्थिले बोले मते तो कलेक्टर आइस्थिले पीडी आइस्थिले सब कलेक्टर आइस्थिले समस्त आगे जेतु क्वेश्चनटा प्रश्नटा उत्तरटा दिया हिके बोली दिया हिके जेतु आसीथिले आरो क्वेश्चनटा दिया हिके प्रश्न भी सेडू भी हिके तबरे फुलफिल हेबा बोली मते आशा लागुछे।